क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ ए पी और ए पी हमारे पास दी हुई है 3, 8, 13, 18 ……… 17 मींस इस ए पी का कौन सा टर्म 78 होगा मींस ये जो 78 है वो इस ए पी में आ रहा है लेकिन किस नंबर पे आएगा हमें वही फाइंड करना है तो मान लिया हमने कि एन एन टर्म है एन नंबर पे जाके आ रहा है तो लेट ए एन इक्वल्स टू 78 अब सीरीज से हमारे ए और डी निकाले आ सकते हैं ए इक्वल्स टू 3 और डी इक्वल्स टू 8 माइनस 3 आ जाएगा 5 कॉमन डिफरेंस सी डी लिख सकते हैं डी लिख सकते हैं अब ना यूजिंग ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी अब ए की वैल्यू ए है हमारे पास 78 एंड ए की वैल्यू है 3 प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी है 5 सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसे ए रख दें प्लस वाले नंबर को पहले माइनस में ले जा रहे हैं और यहां ऐसी रह जाए 78 में से 3 जाएगा तो बचेगा 75 और ये जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है इसे पहुंचा दें अपॉन में इक्वल्स टू एन माइनस 1 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाएगा 5 5 क्लियर माइनस का 1 है इधर ले गया जाएंगे हो जाएगा प्लस का तो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 तो ये सीधा करके लिखते हैं एन इक्वल्स टू 16 इट मींस ये जो टर्म है 78 वो इस एपी का 16 टर्म होगा नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी एपी हमारे पास दी हुई है हमें इसमें नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करना है तो पहली एपी है 7, 13, 19 एंड द लास्ट टर्म इज 205 लास्ट टर्म का मतलब है कि इसमें एनएस टर्म है और एनएस टर्म वाला 205 है कंपेयर कर लेते हैं कंपेयर का मतलब है कि एपी से हम ए डी और एन निकाल लें ए हो गया 7 और डी हो जाएगा 13 माइनस 7 6 मान लिया इसमें एनएस टर्म है अब हमारे पास लास्ट टर्म दे रखा है अगर इस एपी में एन टर्म है तो ये एन नंबर पे होगा मान लिया इस एपी में अगर 10 टर्म है तो ये 10वें नंबर पे होगा 10 टर्म होगा उसी तरीके से लेट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू एन तो ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 205 अब ए एन का फॉर्मूला लगा लें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 205 ए की वैल्यू एन की वैल्यू डी की वैल्यू जिस जिसकी पता है वो पुट कर दें ए 7 है एन फाइंड करना है और डी 6 है इक्वल्स टू 205 सबसे पहले प्लस का नंबर बराबर हो जाएंगे माइनस का हो जाएगा 205 माइनस 7 एन माइनस 1 इक्वल्स टू 205 में 7 जाएगा तो बचेगा 198 और ये जो मल्टीप्लाई में 6 दे रखा है इसे इसी स्टेप में हमने अपॉन में भेज दिया तो यहां आ जाएगा 6 3 18 6 3 18 n माइनस 1 इक्वल्स टू 33 माइनस का 1 राइट हैंड पे जाएगा प्लस का हो जाएगा एंड n इक्वल्स टू 33 प्लस 1 34 तो इस सीरीज में नंबर ऑफ द टर्म कितने हैं 34 इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे इसमें ए भी दे रखा है और हमें इसका नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करना है तो इसे आप नोट कर सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 है चेक करना है वेदर माइनस का 150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी कि ये जो नंबर दे रखा है वो इस एपी के टर्म में आता है या नहीं है एपी का टर्म है या नहीं है अगर ये एपी का टर्म होगा तो किसी ना किसी नंबर पे आएगा हो सकता है 10th पे आ जाए 11th पे आ जाए 12th पे आ जाए मींस एक होल नंबर आएगा होल नंबर में ही होगा तो हम यहां पर चेक करते हैं मान लिया हमने इसे कि ये एन टर्म है लेट नंबर जो है हमारा वो n टर्म है अगर n एक होल नंबर आएगा तभी ये हो सकता है अदरवाइज नहीं होगा हमारे पास k दे रखा है
11 और d आ जाएगा 8 माइनस 11 माइनस 3 यूजिंग an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इनटू d यहां से आ जाइए an की जगह a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल्स टू माइनस का 115 a इज 11 n हमें 5 करना है और d दे रखा है माइनस का 3 इक्वल्स में माइनस का 150 फिर से बता रहा हूं कि सबसे पहले आप इस संबंध को राइट हैंड पे भेजें या अगर राइट हैंड पे रखा है तो उसे लेफ्ट हैंड पे भेजें तो यहां बचेगा n माइनस 1 और 11 भी आ गया इधर आगे हो जाएगा माइनस का तो माइनस का 150 और माइनस का 11 हो जाएगा माइनस का 161 इसके बाद ये माइनस का जो 3 है उसे भेज देंगे अपॉन में तो माइनस का 161 अपॉन माइनस का 3 माइनस से कैंसिल n माइनस का इक्वल्स टू आ गया 161 अपॉन 3 इस माइनस के 1 को भी हम बराबर में छोड़ देंगे प्लस का वैल्यू इक्वल्स टू आ जाएगा 3 बन जा 3 3 और 1 का आंसर मिलेगा 3 आ जाएगा और 3 बन जा 3 और 3 को इसमें ऐड करेंगे आ जाएगा 164 एंड दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 चेक कर लीजिए 6 और 4 10 अपॉन 11 11 जो होता है वो 3 से नॉट डिविजिबल होता है तो 10 एक होल नंबर नहीं है इट मींस माइनस का 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज तो n इज नॉट अ होल नंबर Hence, minus का 150 is not a term of AP. Clear? Last में mention भी जरूर करें. Next question है कि 7 find the 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. हमें एक AP का 31st term चाहिए. हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं अगर एपी में हमें ए पता है और डी पता है लेकिन अभी हमारे पास कुछ भी नहीं पता है केवल दो कंडीशन दे रखी है 11 टर्म इज 38 ए 11 इक्वल्स टू 38 एंड द सेकंड वन इज 16 टर्म इज 73 ए 16 इक्वल्स टू 73 तो यहां से हम दो कंडीशन दो इक्वेशन बनाएंगे A11 का मतलब हो गया A plus 10T. Using nth term formula, यानी सकते हैं using A equals to n plus A plus 10 मतलब बने into D. तो A11 equals to 38. A11 होता है A plus 10D equals to 38. Equation number 1. And A16 दे रखता है 73, A16 हो जाएगा A plus 15D, A plus 15D equals to 73. तो आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी, A plus 10D equals 38, A plus 15D equals to 73. इसे हम सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, यहाँ से एक ही व्यक्ति निकाल के यहाँ पुट कर दें, कुछ भी कर सकते हैं. क्योंकि दोनों का जो कोफिशिएंट है एक का वो सेम है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड को पहले नोट कर लें नोट हम कोई सी भी क्वेश्चन कर सकते हैं पहले और a प्लस 10d इक्वल्स टू 38 जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब दोनों के साइन सेम होना चाहिए और अपोजिट साइन है तो उन्हें ऐड कर सकते हैं तो ऑल सब्ट्रैक्ट माइनस 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 ये प्लस ये माइनस कैंसिल 15 डी में से 5 10 डी क्या बचेगा 15 इक्वल्स टू 73 में तो 38 जाएगा 30 में से 8 गया 5 बचा और 6 में 3 गया 3 बचा 5 बन गया 5 7 गया तो हमारे पास बी आ जाएगा 7 अब इसे पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में तो पुट इन 1
वन है हमारी a प्लस टेन डी इक्वल टू 38, तो a प्लस 10 और d इज 7 इक्वल टू 38, तो a प्लस 10 7 जा 70 इक्वल टू 38, तो 70 चला जाएगा हमारा राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस का, तो a इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस का। तो हमें निकालना है इस ap का 31st टर्म, तो a 31st इक्वल हो जाएगा a प्लस 30d, a इज माइनस का 32 प्लस 30 और d आया है 7, तो माइनस का 32 प्लस 7 3 हो जाएगा 21 और 8 0 हो जाएगा 210 में से 210 प्लस का है माइनस 32 माइनस का है प्लस माइनस माइनस, और 210 में 32 माइनस करेंगे तो 10 से 2 गया 8, 10 से 3 गया 7 और 1, तो हमारे पास 31st टर्म आ जाएगा पर 178। नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। एन ए बी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म इज, एक ए बी में 50 टर्म दिए हुए हैं तो n इक्वल्स टू हो गया 50 एंड थर्ड टर्म इज 12 a3 इक्वल्स टू 12 एंड द लास्ट टर्म इज 6, मान लो उसमें n टर्म है 50 मतलब लास्ट टर्म हो गया 50 टर्म, तो हम इसे a n लिख सकते हैं या a 50 भी लिख सकते हैं, a 50 कितना है 106 एंड फाइंड द 29 टर्म, तो जैसे आपने इससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम करेंगे, दो इक्वेशन बनेगी एक यहां से और एक यहां से, a3 इक्वल्स टू 12 a3 होता है a प्लस 2d। अगर आप एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाना चाहते हैं जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं जैसे कि इसमें, तो हम यहां से a की वैल्यू निकाल लें 12 माइनस 2d इक्वेशन नंबर 1। अब a 50 दे रखा है 106, नाउ a 50 इक्वल्स टू 106 और a 50 मींस a प्लस 49d, एंड में से 1 माइनस करते हैं उसी तरीके से 50 में से 1 माइनस करेंगे 49d इक्वल्स टू 106। अब यहां पर a की वैल्यू पुट कर लें सब्स्टिट्यूशन मेथड है फ्रॉम 1 12 माइनस 2d प्लस 49d इक्वल्स टू 106 और ये आया है फ्रॉम 1, 12 जो है चला जाएगा राइट हैंड साइड पे न्यूमेरिकल नंबर भी एंड होगा सबट्रैक्ट होगा और 49d में से 2d जाएगा तो बचेगा 47d, 106 माइनस 12 तो 47d इक्वल्स टू 106 में से 12 जाएगा तो बचेगा 194 और 47 को जा 94 2 7 जा 40 2 4 जा 8 1 9 47 बन गया 47 2 जा। अब ये d की वैल्यू पुट करते हैं मतलब a भी आ जाएगा पुट इन 1, तो 1 है हमारी a इक्वल्स टू 12 माइनस 2d, a इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इनटू 2, 2 इनटू d की वैल्यू 2, तो 12 माइनस 2 2 जा 4 तो a आ जाएगा हमारे पास 8, a भी आ गया d भी आ गया, a 29 निकाल सकते हैं a 29 इक्वल्स टू a प्लस 28d, a की वैल्यू 8 28 और d की वैल्यू है हमारे पास 2, 28 2 जा 56, 56 पे 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 64, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 29 टर्म ऑफ ap। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ थर्ड एंड नाइन टर्म ऑफ ap इज 4 10 - 8, क्वेश्चन नंबर 9 थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म, तो a3 दे रखा है हमारे पास 4 एंड a9 दे रखा है माइनस का 8, हम
हमें इसमें फाइंड करना है व्हिच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, इस एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा, मींस हमें जीरो फाइंड करना है कि इस एपी में आएगा या नहीं। मान लेंगे वो एन एन टर्म है, लेट एन एन टर्म इक्वल्स टू जीरो, मान लिया कि एन नंबर पे जाके वो जीरो मिलेगा। ए थ्री का मतलब हो गया ए प्लस टू डी इक्वल्स टू फोर, यहां से ए की वैल्यू निकाल लें, ए इक्वल्स टू फोर माइनस टू डी, इक्वेशन नंबर वन। जैसे हमने ये करा बिल्कुल वैसे ये करेंगे, एंड ए नाइन इक्वल्स टू एट, वो भी माइनस का, तो ए नाइन होता है ए प्लस ए डी इक्वल्स टू माइनस का एट, ए की वैल्यू फोर माइनस टू डी, फोर माइनस टू डी प्लस एट डी इक्वल्स टू माइनस का एट। अब इसमें हम क्या करेंगे, फोर को बचाएंगे एट की तरफ, और एट डी में से टू डी लिया तो बचेगा सिक्स डी, माइनस का एट माइनस का फोर, तो सिक्स डी इक्वल्स टू माइनस का ट्वेल्व, सिक्स से डिवाइड करने सिक्स बन जा सिक्स टू जा, तो हमारे पास डी आ जाएगा माइनस टू। अब डी आ चुका है, डी को कंप्यूट करेंगे वन में, तो ए भी आ जाएगा फोर्टीन वन, ए इक्वल्स टू है फोर माइनस टू एंड डी माइनस टू, तो फोर माइनस माइनस प्लस और टू टू जब फोर, तो ए आ गया हमारे पास ए। हमें फाइंड करना है एन एन टर्म, ये जीरो आएगा या नहीं, ए एन इक्वल्स टू जीरो, ए एन का फॉर्मूला सिंस ए एन इक्वल्स टू जीरो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू जीरो, ए की वैल्यू एट डी की वैल्यू माइनस टू, ए प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टू, क्लियर, ए चले जाएगा बराबर में माइनस का हो जाएगा, यहां बचेगा एन प्लस वन माइनस का एट, माइनस का टू मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, थोड़ा सा इसे लिख लें माइनस का वन, एन माइनस वन माइनस का एट माइनस का टू, क्योंकि टू कैंसिल टू फोर जीरो, माइनस का वन बराबर में क्या हो जाएगा प्लस का, तो हमारे पास एन इक्वल्स टू आ गया फाइव, मींस इस एपी का फिफ्थ टर्म जीरो होगा, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द सेवंथ टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, 17th टर्म इसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए 17 इसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो हम ए 17 माइनस ए 10 इक्वल्स टू 7 लिख सकते हैं, मींस ये नंबर इससे 7 ज्यादा है, तो इसमें से इसे माइनस करके 7 लिख सकते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है, ए 17 क्या हो जाएगा ए प्लस 16 डी माइनस, और ए 10 हो जाएगा ए प्लस 19, ब्रैकेट ओपन कर दें, ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 19 इक्वल्स टू 7, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 19 बचेगा 7d इक्वल्स टू 7, एंड d इक्वल्स टू हो जाएगा 7 विद द 7 7 विद द 7, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 1, नोट कर सकते हैं।